चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के सतह के बेहद करीब है और आज यानी कि 23 अगस्त को शाम 6:04 PM पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला लैंडर बन जाएगा और उसी के साथ भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो कि हमारे अस्तित्व का परिमाण भी देगा, क्योंकि एक तो साउथ पोल पर काफी पानी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और उसी के साथ वहाँ पर काफी कार्बन एलिमेंट भी मौजूद है जो कि बता सकते हैं कि आखिरकार किस वजह से धरती पर जीवन पनप रहा है। और यही वजह है जिस करके इसरो और बाकी दुनिया अब चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचना चाहती है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग से 2 घंटे पहले ही लैंडिंग मॉडल की कंडीशन और चंद्रमा की कंडीशन पर इसरो डिसाइड करेगा कि यह समय चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने का सही समय है या फिर नहीं। और अगर इसरो को लगता है कि कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि लैंडिंग के लिए सूटेबल नहीं है तो इसरो लैंडिंग को पोस्टपोन भी कर सकता है और तब लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार को रात 1:50 पर पूरा हुआ था और उसके बाद चंद्रमा और चंद्रयान 3 के बीच में मात्र 25 किलोमीटर की ही दूरी रह गई थी और इस डीबूस्टिंग प्रोसेस में लैंडर की गति को कम किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि लैंडिंग के कितने फेज होते हैं। तो दोस्तों, लॉन्चिंग की तरह लैंडिंग में भी 4 ही फेज होते हैं, जिसमें पहला फेज होता है रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर की दूरी पर होता है और इस वक्त लैंडर की स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड होती है और ये फेज 690 सेकंड का होता है और इस समय विक्रम लैंडर के सभी सेंसर को टेस्ट किया जाता है और 690 सेकंड तक चंद्रयान 3 की हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल स्पीड 61 मीटर पर सेकंड होती है। और फिर शुरू होता है दूसरा फेज, जिसे हम एल्टीट्यूड होल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस समय विक्रम लैंडर चंद्रमा की फोटो खींचता है और उसे अपने डेटाबेस में मौजूद फोटो से मैच करता है। तो चंद्रयान 2 में ये फेज 38 सेकंड का था और अब इस चंद्रयान 3 में ये फेज केवल 10 सेकंड का ही रखा गया है और इस समय हॉरिजॉन्टल स्पीड 336 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल स्पीड 59 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और फिर शुरू होता है तीसरा फेज, जिसका नाम है फाइन ब्रेकिंग फेज। ये फेज 175 सेकंड तक चलता है। इसमें लैंडर की स्पीड को 0 कर दिया जाता है और इस समय लैंडर की पोजीशन वर्टिकल हो जाएगी और लैंडर की चंद्रमा की सतह से ऊंचाई 800 से 1300 मीटर ही रह जाएगी और इस समय विक्रम लैंडर के सेंसर स्टार्ट करे जाएंगे और साथ में ही सतह की ऊंचाई भी नापी जाएगी और इस समय फिर फोटोज ली जाएगी और इन फोटोज को डेटाबेस से मैच किया जाएगा। और फिर इसके बाद शुरू होगा चौथा और आखिरी फेज, जिसका नाम है टर्मिनल डिसेंट फेज। इसमें अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और इस समय लैंडर पर लगे हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की इमेज लेगी और वो डिटेक्शन कैमरा गो नोबो टेस्ट करेगा और अगर सब कुछ सही होता है तो लैंडर 73 सेकंड में ही साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा और अगर कंडीशन सेफ ना हुई तो लैंडर एक बार फिर से इमेज लेकर टेस्टिंग करेगा और अगर फिर भी लैंडर को सेफ क्लियरेंस नहीं मिलती तो वो अपनी लैंडिंग को पोस्टपोन कर देगा और फिर उस समय पर चंद्रयान 3 को 27 अगस्त को लैंड कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को सबसे मुश्किल फेज बताया है। उन्होंने कहा है कि लैंडिंग से पहले के 15 मिनट इसरो के लिए और पूरे देश के लिए काफी अहम हो गए और वो 15 मिनट ही है जो कि इसरो की कैपेबिलिटी को दर्शाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस बार हमें अपने लैंडर मॉडल पर काफी भरोसा है क्योंकि इस बार उन्होंने अपने लैंडर मॉडल पर सबसे ज्यादा काम किया है और उसे काफी एडवांस बनाया है। और इसके अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने भी इस प्रक्रिया को काफी अहम और कठिन बताया है, पर हमें पूरा भरोसा है कि इसरो इस बार लैंडिंग करने में सफल होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसरो के इस लैंडिंग प्रोसेस में इसरो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर डीडी नेशनल पर जाकर लैंडिंग की प्रक्रिया को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।